Hello friends, welcome to Gates Measure. The topic is degree of relationship या जिसको हम बोलते हैं types of relationship या फिर cardinality in a relationship. मतलब कहने का क्या है कि what are the various types of relationships that exist in a ER model या normal relational model में भी हम उसको implement कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर मैं relationship की बात करूँ तो relationship होती क्या है कि दो entities की बीच में क्या एसोसिएशन है, दैट इज हाउ द एंटिटीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर. उस चीज को हम बोलते हैं, एसोसिएशन को बोलते हैं रिलेशनशिप. अब ये रिलेशनशिप जो है वो अलग अलग टाइप की हो सकती है, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी. मतलब दो एंटिटीज वन टू वन में कनेक्टेड है, वन टू मैनी में, मैनी टू वन में या मैनी टू मैनी में. मैनी टू मैनी को हम एम टू एम लिखने की बजाय हम लिखते हैं मैनी टू मैनी एन, बिकॉज मैनी टू मैनी एम टू एम लिखोगे तो कई बार लगता है कि दोनों की रिलेशनशिप जो है वो सेम है, बट नहीं. दैट्स वाई वी एक्चुअली राइट लाइक एम एन, दैट इज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सबसे पहले वन टू वन रिलेशनशिप की. वन टू वन रिलेशनशिप मीन्स वेयर द टू एंटिटीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर, बट उनकी एसोसिएशन क्या है, वन टू वन. अब दिखने में तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक लग रहा है कि ठीक है, एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट. अगर मैं इसको बोलूं कि ये वन टू वन रिलेशनशिप है, दिस इज गिवन दैट दिस इज अ वन टू वन रिलेशनशिप. ये चीज हमें गिवन है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है या एक डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय. मीन्स अगर मैं एक डिपार्टमेंट की बात करूं तो उसमें एक एम्प्लॉय या एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में. तो अगर ये रिलेशनशिप मेरे को गिवन है तो इसको हम बोलते हैं वन टू वन रिलेशनशिप. लेकिन ये टॉपिक जो है ऑल दो बहुत ही सिंपल है, लेकिन जो पॉइंट्स हम इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं, दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक डीबीएमएस पढ़ा है, इवन मैं अगर फैकल्टीज या टीचर्स की बात भी करूं, उनको भी पता होगा कि वन टू वन रिलेशनशिप क्या है. लेकिन इसके अंदर जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो डीप का कॉन्सेप्ट है, वो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता. तो वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं. अगर मैं वन टू वन रिलेशनशिप को मैं लेके चल रहा हूं तो यहाँ पे कई बार क्या पूछते हैं कि अगर मैं इसको इंप्लीमेंट करता हूं, मतलब ये तो ईआर मॉडल है, जब मैं इसको रिलेशनल मॉडल में इंप्लीमेंट करता हूं तो हम कैसे टेबल्स को डिजाइन करते हैं. मतलब कहने का कि अगर मैं इंप्लॉय टेबल की बात करूं तो इंप्लॉय टेबल में आप एज्यूम करो कि डेटा कैसे होगा. एम्प्लॉय टेबल में क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, लेट से एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड लेट से एम्प्लॉय एज. देयर कैन बी लॉट ऑफ एट्रीब्यूट्स, एम्प्लॉय का एड्रेस, एम्प्लॉय का फोन नंबर एंड ऑल. लेट्स टेक ओनली दीज थ्री एट्रीब्यूट्स ऑफ एम्प्लॉय. तो उसको जब हम टेबल में डिवाइड, जब हम इसको टेबल में इंप्लीमेंट करेंगे तो हम एक टेबल बनाएंगे, उसमें कुछ डेटा होगा लाइक दिस, एम्प्लॉय आईडी E1, नेम लेट से ए, एज इज 20, एम्प्लॉय आईडी E2, नेम लेट से बी एंड एज इज 25, एम्प्लॉय आईडी E3, सी लेट से 28, एम्प्लॉय आईडी E4, लेट से ए, एज इज 24. बिकॉज एज या ई नेम कैन बी रिपीटेड, बट इसके अंदर एक प्राइमरी की है, वो है EID. बिकॉज कोई भी डेटा हो सकता है कि एक पॉइंट पे मेरे पास कोई डेटा जो है वो सेम हो, लेट से बी एंड 25. मींस एक कंपनी में दो बंदे हैं जिनका नाम सेम है और बाय जस उनकी एज भी सेम है, लेकिन एम्प्लॉय आईडी से मेरे को पता लग जाएगा कि वो दोनों अलग अलग पर्सन है. बिकॉज एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे क्या है, प्राइमरी की तरह यहाँ पे एक्ट कर रही है और वो मेरे को यूनिकनेस में हेल्प कर रही है ताकि मेरे को पता लग जाए कि ये यूनिक डेटा है. अब डिपार्टमेंट टेबल की बात करें तो ऐसे ही कुछ एंट्रीज डिपार्टमेंट टेबल में भी होंगी, जैसे हम ईआर मॉडल मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, जहां पे हम इस तरीके से एक्लिप्स में या ओवल्स में हम एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. बट हम बात कर रहे हैं अब टेबल में कि अगर मैं इसको टेबल में डिजाइन करूं, टेबल में कन्वर्ट करूं तो डेटा कैसे होगा. ऐसे इसमें भी कुछ डिपार्टमेंट की आईडी होगी, डिपार्टमेंट का नेम एंड लेट्स से डिपार्टमेंट की लोकेशन. अब डिपार्टमेंट की आईडी ऑब्वियसली हो सकता है दो डिपार्टमेंट का नेम सेम हो, लोकेशन सेम हो, तो यानी मेरे को प्राइमरी की तो हर एक टेबल में प्राइमरी की तो एटलीस्ट रखनी ही पड़ेगी. और प्राइमरी की हेल्प क्या करती है,
यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब किसी भी दो रोज को, किसी भी दो लोगों को मुझे अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो लोग सेम है या अलग है, तो मैं क्या यूज करता हूँ, प्राइमरी की। तभी आपके कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में अगर बात करें तो हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर एक्ट करती है एज ए प्राइमरी की। तो अगर हम बात करें डिपार्टमेंट नंबर, तो डेटा कैसे होगा, लेट्स से डिपार्टमेंट D1, नेम ले लेते हैं IT, लोकेशन है लेट्स से बेंगलोर। एक डिपार्टमेंट ले लेते हैं D2, डिपार्टमेंट नेम ले लेते हैं लेट्स से प्रोडक्शन एंड लोकेशन इज लेट्स से दिल्ली। डिपार्टमेंट D3 एंड लेट्स से डिपार्टमेंट नेम इज HR एंड लोकेशन इज ऑल्सो दिल्ली। मीन्स इस तरीके से यहाँ पे डेटा होगा। सो इसमें मैंने प्राइमरी की रख दी, इसमें मैंने EID को प्राइमरी की रख दिया। ये आप इजीली कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि एम्प्लॉई एक्चुअल में एक एंटिटी है और वो बाद में क्या बन जाएगा, एक टेबल। ऐसे डिपार्टमेंट एक एंटिटी है और वो बाद में क्या बन जाएगा, टेबल। अभी तक 1-to-1 का हमने यूज नहीं किया, अभी तो हम सिंपल इसको देख रहे हैं कि अगर मुझे इस ER मॉडल को कन्वर्ट करना हुआ रिलेशनल में तो मैं कैसे करूंगा। आई विल सिंपली कन्वर्ट दिस एंटिटी इनटू अ टेबल, दिस एंटिटी इनटू अ टेबल। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इसकी, दैट इज अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप टेबल का नाम क्या है, लेट्स से रिलेशनशिप टेबल का नाम है वर्क। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, दैट इज जस्ट अ नेम गिवन बाय अस, मींस यूजर ने कुछ नाम दिया हुआ, आप जो नाम इसमें देना चाहते हो वो यहां पे दे सकते हो। लेकिन ये भी एक टेबल बनेगा, ये रिलेशनशिप भी एक टेबल बनेगा। क्यों, इंप्लॉय के टेबल से आपको क्या पता लग रहा है, इंप्लॉय के टेबल से पता लग रहा है कि इंप्लॉय की आईडी ये है, ई नेम ये है, एड्रेस ये है, एज ये है, मतलब इंप्लॉय की डिटेल। डिपार्टमेंट वाले टेबल से पता लग रहा है मुझे डिपार्टमेंट का नेम, डिपार्टमेंट की लोकेशन, डिपार्टमेंट का साइज, मींस वट एवर द इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड विद द डिपार्टमेंट ओनली। बट कौन सा इंप्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो कौन बताएगा, वो बताएगा रिलेशनशिप टेबल, दैट इन विच डिपार्टमेंट विच इंप्लॉय इज वर्किंग, तो उनके बीच में क्या रिलेशन है वो ये टेबल बताएगा। तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट आता है कि इस टेबल में एट्रीब्यूट कौन से होंगे, इस टेबल के एट्रीब्यूट क्या होंगे। इसके तो मुझे पता है, इसके भी मैं बना सकता हूं, लेकिन इसके क्या बनाऊंगा मैं। तो हमेशा याद रखना, इस टेबल में बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं, लेकिन दो एट्रीब्यूट होंगे ही होंगे, एक है एम्प्लॉई आईडी और दूसरा है डिपार्टमेंट आईडी। इसके अलावा अपने इसके कुछ डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट हो सकते हैं, वो हम उनको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट, वो आप लगाना चाहते हो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लेकिन मेरा यहाँ पे मुद्दा है कॉन्सेप्ट, कि हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं कि इम्प्लॉय आईडी और DID क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे ये इम्प्लॉय आईडी काम आएगी एज ए फॉरन की। मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, ये क्या एक्ट कर रही है एज ए फॉरन की, और ये भी क्या एक्ट कर रही है फॉरन की। और फॉरन की हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि फॉरेन की कहां से रेफरेंस लेती है, प्राइमरी की से। तो ये रेफरेंस लेगी इस प्राइमरी की से और ये रेफरेंस लेगी इस प्राइमरी की से, तभी तो रिलेशनशिप बनेगी ना। अदरवाइज इनके बीच में रिलेशनशिप को आप कोडिंग में कैसे कन्वर्ट करोगे, इंप्लीमेंट कैसे करोगे। डायग्राम में तो दिख रही है कि आपस में ये लाइन से कनेक्टेड है, लेकिन कोडिंग में क्या करेंगे, हम ये टेबल को क्रिएट करेंगे, इस टेबल को क्रिएट करेंगे। जब इस टेबल को क्रिएट करेंगे तो EID को हम बनाएंगे फॉरेन की, रेफरेंस लेगी यहां से। DID को बनाएंगे फॉरेन की, रेफरेंस लेगी यहां से। अब इसमें डेटा डालो, कुछ डेटा डालते हैं, लेट्स से मैं इसमें डाल रहा हूं डेटा। अब हम बात करते हैं, जब हम इसमें डेटा की बात करते हैं कि इसमें डेटा क्या होगा, उस टाइम पे मेरा 1-to-1 रिलेशनशिप जो है वो हेल्प करेगा। अब मेरे को चेक करना है कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं डेटा डालूंगा। अगर मेरी रिलेशनशिप है 1-to-1, 1-to-1 का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास दो सेट हैं, वो दोनों आपस में, ये अगर मेरे पास इंप्लॉई है, ये डिपार्टमेंट और ये वर्क जोन, तो अगर कुछ इंप्लॉई है कुछ डिपार्टमेंट है तो वो आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे, 1-to-1। मतलब अगर यहां पे मैं E1 employee लिख रहा हूं,
इवन, क्योंकि इस टेबल में इवन है तो मैं यहाँ पे इवन लिख सकता हूँ बिकॉज ये रेफरेंस यहाँ से ले रही है, ये फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है और ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है फॉरेन की पार्ट वन एंड पार्ट टू वीडियो में, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो कि यहाँ पे जो डेटा डालते हैं वो इस टेबल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे भी जो डालेंगे वो इस टेबल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो लेट्स से इवन यहाँ पे मैंने लिखा डी वन, तो इसका मतलब क्या है कि इवन एम्प्लॉई डिपार्टमेंट वन में वर्क कर रहा है। क्या मैं इवन को दोबारा रिपीट कर सकता हूं? नहीं। अगर मैंने इवन को दोबारा रिपीट किया तो ये वन टू वन कैसे हो जाएगी? अगर आप इवन को यहां पे लिखते हो, यहां पे आप क्या लिखोगे, लेट से डी टू लिखा, तो ये तो गलत हो गया ना। इवन एम्प्लॉई तो दो डिपार्टमेंट में काम कर रहा है लेकिन आपने रिलेशनशिप तो वन टू वन देना है, तो वन टू वन अगर रिलेशनशिप गिवन है तो इवन कैन नॉट बी रिपीटेड अगेन। इसमें आपको कोई और लेट से ई थ्री ले लो, ई थ्री जो है वो डिपार्टमेंट टू में काम कर रहा है, ऐसे ई टू डिपार्टमेंट थ्री में काम कर रहा है। मींस आप ना तो यहां पे रिपीट कर सकते और ना यहां पे रिपीट कर सकते बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप, अदरवाइज रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगी ना वन टू वन। तो वन टू वन के केस में ना तो ये एट्रीब्यूट डुप्लीकेट आएगा ना ये वाला एट्रीब्यूट डुप्लीकेट वैल्यूज आएंगे इसमें। तो यहां पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, पहला कॉन्सेप्ट तो हमने देख लिया कि इस टेबल में वैल्यूज कैसे डालनी है, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ रिलेशनशिप के ऊपर। अब इसके बाद कई बार एग्जाम में पूछते हैं देन कि व्हाट विल बी द प्राइमरी की इन दिस टेबल, इस टेबल में प्राइमरी की पता है आपको एम्प्लॉई आईडी, आईडी बनती है ज्यादातर, इस टेबल में डिपार्टमेंट आईडी, लेकिन यार इस टेबल में प्राइमरी की कौन सी है, इस टेबल में प्राइमरी की कौन सी है अगर रिलेशनशिप गिवन है वन टू वन। तो गाइज बहुत ही सिंपल है, आपको डेटा डालने के बाद पता लग रहा है ना तो यहां पे कोई रिपीटेशन ना यहां पे कोई रिपीटेशन, तो आप किसी को भी प्राइमरी की बना सकते हो। मींस प्राइमरी की विल बी व्हाट, प्राइमरी की इज आइदर EID और DID, मींस या तो ये प्राइमरी की बन सकती है, ये दोनों में से कोई भी प्राइमरी की बन सकती है। लेट्स से मैं EID को प्राइमरी की बना देता हूं इस टेबल में, तो आपके पास यहां पे ऑप्शन में आएगा ऑप्शन ए आइदर दिस और दिस, या फिर ओनली दिस बोथ। तो आपको ऑप्शन में ध्यान रखना, अगर रिलेशनशिप वन टू वन है तो इन दोनों में से कोई भी कैंडिडेट की जो है या प्राइमरी की जो है वो बन सकती है। तो अगर मैं ईआईडी को प्राइमरी की बना देता हूं तो ठीक है, इस टेबल में ईआईडी बन गई। अब इसके बाद एक और पॉइंट आता है कि क्या मैं इन टेबल्स को रिड्यूस कर सकता हूं। अभी कितने टेबल है, एक दो तीन। अगर मेरे पास रिलेशनशिप, मैं बार बार बात कर रहा हूं कि अगर मेरे पास रिलेशनशिप गिवन है वन टू वन, ये गिवन है, उसके बाद ये सारी बातें बता रहा हूं मैं। लास्ट पॉइंट यहां पे क्या पूछ सकते हैं कि अगर मेरे पास ये तीन टेबल्स हैं क्या मैं इनको रिड्यूस कर सकता हूं, कम कर सकता हूं? यस, आप कम कर सकते हो। कैसे? अगर आपको पता है कि आप इन दोनों में से किसी को भी प्राइमरी की बना सकते हो तो आपने ईआईडी को प्राइमरी की बना दिया, ईआईडी प्राइमरी की बन गई क्योंकि ईआईडी में कभी भी रिपीटेशन नहीं होगा, आप उसको भी बना सकते हो। लेकिन लेट्स सपोज आपने इसको बना दिया, तो अब अगर आप ध्यान से देखो इस टेबल में और इस टेबल में प्राइमरी की कौन सी है, ईआईडी, प्राइमरी की कौन सी है, ईआईडी, तो यार इन दोनों को मर्ज कर दो, इन दोनों टेबल्स को मर्ज कर दो। जब इन दोनों टेबल्स को मर्ज करेंगे तो न्यू टेबल कैसे बनेगा, यहां पे मैं बना देता हूं न्यू टेबल, यहां पे। तो न्यू टेबल में क्या आएगा, एम्प्लॉई आईडी, दो बार नहीं लिखना, वो तो सेम ही है, वो तो सेम ही है एम्प्लॉय आईडी, उसको जस्ट मर्ज कर दो। नाम से आप कंफ्यूज मत हो ना कि यहां पे मैंने कैपिटल लिखा है या स्मॉल, वो एक ही बात है, आप सेम नेम भी दे सकते हो। तो एम्प्लॉय आईडी यहां पे मर्ज कर दी, एम्प्लॉय नेम आ गया, साथ में मेरे पास एज आ गई और इसके साथ मेरे पास डी आई डी आ गया, दैट इज डिपार्टमेंट आईडी। अब ये दोनों टेबल्स को आपस में मर्ज कर दिया, तो डेटा देख लो कैसे डालोगे, ई वन ई टू ई थ्री ई फोर ई फाइव, उसके बाद एम्प्लॉई नेम ए बी सी ए बी और एज 20, 25, 28, 24, 25, डिपार्टमेंट डी वन, ईवन का डिपार्टमेंट कौन सा, डी वन,
E2 का डिपार्टमेंट है D3 एंड E3 का डिपार्टमेंट है D2. E4 का कोई डिपार्टमेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे कोई जरूर थोड़ी ना कि सारे इंप्लॉयज का कोई ना कोई डिपार्टमेंट हो. लेट्स से अगर E4 का डिपार्टमेंट नहीं है तो ये खाली रहेगी, दैट इज नल, और ये नल, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना. प्राइमरी की तो ये है ना, तो बाकी के एट्रीब्यूट में तो नल आ सकते हैं, प्राइमरी की में नल नहीं आ सकता. तो ये देखो आपने इन दोनों टेबल्स को मर्ज करके ये बना दिया, तो एक ये टेबल और एक ये टेबल, मतलब अब फाइनल में कितने टेबल हो गए आपके पास, दो. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेटाबेस का, लेकिन ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मिस कर जाते हैं इस कॉन्सेप्ट को. अगर मेरे पास 1-to-1 है तो वर्क्स टेबल में कौन कौन सी, पहले तो एट्रीब्यूट्स आएंगे, फिर उसमें कौन सी आपका डेटा आएगा, फिर कौन सी प्राइमरी की आएगी, और लास्ट में क्या मैं इन टेबल्स को रिड्यूस कर सकता हूं. तो अगर मैं EID को लेता हूं तो मैं इसको मर्ज कर सकता हूं, अगर मैं DID को लेता हूं तो आप इन दोनों टेबल्स को मर्ज कर सकते हो, लेकिन फाइनल में नंबर ऑफ टेबल्स कितने बनेंगे, 2. सो दिस इज ऑल अबाउट एक्चुअली हाउ द 1-to-1 रिलेशनशिप एक्चुअली हेल्प्स टू इंप्लीमेंट द ER मॉडल इनटू रिलेशनल मॉडल. जब हम ER मॉडल को रिलेशनल मॉडल में इंप्लीमेंट करते हैं, कोडिंग करते हैं SQL में, तो 1-to-1 रिलेशनशिप कैसे हेल्प करती है और इसमें क्या क्वेश्चंस पॉसिबल है. पहला क्वेश्चन, अगर 1-to-1 है तो प्राइमरी की कौन सी होगी रिलेशनशिप टेबल में. दूसरा, क्या मैं इनको रिड्यूस कर सकता हूं, अगर कर सकता हूं तो फाइनल में कितने टेबल मेरे पास आएंगे. तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहा, आइदर EID और DID. दूसरे टेबल का आंसर ये है कि आप इसको मर्ज कर सकते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट द 1-to-1 रिलेशनशिप. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.